अचानक हॉस्पिटल के काले कारनामों के बाद जेके हॉस्पिटल पर लगा गर्भवती महिला के जबरन ऑपरेशन करने का गंभीर आरोप। संजना अंजना पति सुनील अंजना, जिनको 8 माह का गर्भ है, जो कि इलाज के लिए सपना बुंदीवाल मैडम के यहाँ गए हुए थे, किंतु मैडम के बाहर होने की वजह से उन्होंने जेके हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने संजना की सोनोग्राफी करवाने के लिए भेजा गया। सोनोग्राफी में बताया कि बच्चे की धड़कनें कम चल रही है, जिसके चलते संजना का तत्काल ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी पड़ेगी। इस तरह उन्हें डराकर ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई, किंतु परिजनों की सूझबूझ के चलते उनकी यह कोशिश कामयाब ना हो पाई और परिजन द्वारा बोला गया कि हम पुनः कलर डॉपलर सोनोग्राफी करवाना चाहते हैं, उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। सोनोग्राफी करवाई गई तो उसमें बच्चे की धड़कन सामान्य आई और किसी प्रकार का कोई खतरा बच्चे की जान को नहीं है और अभी डिलीवरी का समय भी पूरा नहीं हुआ है। ये जानकर परिजन आक्रोशित हुए और पुनः जेके हॉस्पिटल में पहुंचे। सूचना मिलते ही मीडिया की टीम भी जेके हॉस्पिटल पहुंच गई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है या फिर गुरु नानक हॉस्पिटल की तरह कार्यवाही ठंडे बस्ते में चली जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अग्रवाल से जांच करवाई, उन्होंने बोला अग्रवाल डायनेस टिक पे जांच करवाई, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि दिल की धड़कन थोड़ी कम हो रही है। फिर मैडम के पास गए, वहाँ से उन्होंने बोला कि जेके हॉस्पिटल में जाओ। जेके हॉस्पिटल में आए, यहाँ आने के बाद उन्होंने बोला कि एक बार तो बोला उन्होंने कि नॉर्मल है। फिर उसके बाद बोला 10-15 मिनट बाद, फिर बोला नॉर्मल है। फिर आधे घंटे बाद बोला कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और उस कंडीशन में ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैडम से बात हुई, सपना बुंदेलवाल जी से, तो उन्होंने बोला कि ये करण वाले के यहाँ एक एक्सरा करवा लो, सोनोग्राफी करवा लो। वहाँ गए, उन्होंने वहाँ से सोनोग्राफी करवाई तो क्लियर आई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऊपर कोई सर नाम वाम कुछ बता, आपका सपना बुंदीवाल मैडम का एक पेशेंट है, पेशेंट का नाम क्या है सब, और उस पेशेंट को, जो कि आज सपना बुंदीवाल मैडम शायद उज्जैन में नहीं है, उनकी पेशेंट को दिखाने लाए थे आप लोग जी। जब दिखाने लाए थे तो वो नहीं थी, तो उन्होंने दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट को बोला देखने के लिए। जब देखने को बोला, एक सोनोग्राफी कराई गई, तो उसमें फीटल हार्ट रेट या बच्चे की धड़कन कम आई। जिन गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा था उन्हें सपना मैडम की जगह पर, उन्होंने उसे सिजेरियन सेक्शन के लिए एडवाइस करा। परिजन चूंकि इस बात से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने और स्टाफ ने दूसरी सोनोग्राफी कराने के लिए कहा। जब करण एक्सरे पर दूसरी सोनोग्राफी कराने गए तो उसमें वो जो सोनोग्राफी थी उसमें बच्चे की धड़कन उस समय नॉर्मल आई। परिजन इस आधार पर आक्रोशित हुए कि उन्हें सीजर का क्यों कहा गया। अब इस विषय में चूंकि मैं ट्रीटिंग डॉक्टर, कंसल्टेंट या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कंसल्टिंग डॉक्टर ने इस विषय में उन्हें सीजर की जो सलाह दी वो अपने विवेक से दी, और इसमें मैं कोई टिप्पणी किसी प्रकार की नहीं कर सकता। पूरा स्टाफ है यहाँ पर, मैडम के नियंत्रण में रहेगा। अगर ये भर्ती होते तो सीजर की जरूरत होगी तो सीजर करेंगे, अगर हार्ट रेट नॉर्मल चलता है तो सपना मैडम या जिसे भी सपना मैडम बोलेंगी या जिन भी गायनेकोलॉजिस्ट को परिजन बोलेंगे। अभी इनका कहना हो रहा है कि फोन ही नहीं उठा रहे। कौन? मैडम। सपना मैडम कॉन्फ्रेंस में टेंट एडमिट नहीं हुआ, उसके बावजूद सोनम मैडम ने आकर देखा और उसे सीजर एडवाइस करा। अब वो जो उनकी राय है वो एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट की राय है, जिन्हें सपना मैडम ने इन पेशेंट को देखने के लिए बोला था। अब इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस विषय का जानकार नहीं हूँ।